नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठरश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो शीतला माता, जिसे बसौड़ा माता भी कहते हैं, उनकी मैं व्रत कथा लेकर आई हूँ। और पूजा कैसे करनी, पूजा की सामग्री क्या क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, मेरे चैनल पर जाकर जरूर देख लें। चैत का महीना आया, होली बाद के दिन आए शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई। माता जी के गरम खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हार विराट की ठंडी रोटी माता को खाने को दे दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा ही घर बचेगा। ये कहानी अगर आप सबको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ ही साथ अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, चैनल को दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। इसी तरह मैं पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी आप सबके लिए लाती रहूँगी। तो आई होप ये आप सबको कहानी बहुत ही पसंद आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और आप सबको शुरू से ही पता चल रहा होगा कि कहानी कितनी ही ज़्यादा वो है। और पूजा के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होने वाली है वो ज़रूर आप सब देख लीजिएगा, क्योंकि पूजा करने से पहले हमें पूजा की थाली, दो थालियाँ अवश्य अच्छे से सजा लेनी है। एक थाली में आपको पूजा के खाने पीने की सामग्री, जो कि बासी खाना होगा, और एक थाली में आपको दूसरी चीज़ें रखनी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बस बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा ही बस घर बचा है। कुम्हार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थी, इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मची। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? मैं तुम्हार कुम्हार कहने लगा, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी हैं। गांव वाले माता के पास गए और उनसे विनती करने लगे। तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया है जिससे मेरी जीभ जल गई है और जीभ पर पूरे छाले आ गए हैं, लेकिन कुम्हार ने मुझे गर्म भोजन नहीं कराया, उसने मुझे ठंडा भोजन कराया है जिससे मेरे जो शरीर में और जो जीभ में छाले थे वो ठंडे हो गए हैं, इस कारण से मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो इस तरह से कुम्हार के पास जाकर माता को ठंडक मिली और नीम के पेड़ के नीचे माता जाकर बैठ गई। इस व्रत को करने से माना जाता है कि सारे रोग, द्वेष, जो भी प्रकार की बीमारियां होती हैं, कोई आपको चर्म रोग है या कोई भी प्रकार की आपको बीमारी है, तो आपको ये व्रत अवश्य करना चाहिए जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए हैं, कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया, मुझे ठंडक मिली है, इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया है और केवल कुम्हार का घर बचा हुआ है। कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया है। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांववासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए ठंडे खाने से मेरी पूजा करें और मुझे उन सब चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे पुआ है आदि चीज़ें। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अगता रखे, यानी कोई सिर नहीं धोए, सिलना कूटना पीसना भी नहीं करे। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ।
शीतला माता जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उनके प्रसन्न होते ही सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ करना, जय शीतला माता। तो इस तरह से जैसे आपने उस नगर वासियों की सारी समस्याओं को दूर किया, उन्हें माफ किया, वैसे ही आपका व्रत रखने वाले जो भी आपकी व्रत को रखते, कथा को सुनते और पढ़ते हैं, उन सबकी समस्याओं को दूर करिएगा, उन पर प्रसन्न होकर उन पर ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बना कर रखिए। अगर आप सबको जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को मेरे कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद।